Hi kiddos and welcome back to Fun Drawings with Anu Auntie. And today what we are going to do is freedom. The topic for today is freedom. This is a competition topic which a child has asked me to do. So I'm doing the competition topic today. I'm not doing the pizza nor the mandala art for art. I'll do that, yeah, kids. No problems. So what you are supposed to do, see if this is your book. At this corner, you're supposed to make, I'm doing it directly with a sketch pen because I've already made where I have to do what. Okay, so idhar hum logon ne aise sleeves bana di, ye ladki ki sleeves hai. Ye uska haath aise niche ja chuka hai, theek hai. Iske baad kya karne ka hai humko? Idhar thodi se distance ke baad na, main ye aise karti, tum logon ko jaise jamta tum log waise karna. उसके बाद ये ऐसे थ्री लिखा हमने स्लांटिंग से, फिर ये इसको ऐसे चिन बनाया. ओह माय गॉड, ये चिन बनाया. इधर इसके आई लैशेस बनाए बच्चा पार्टी, और इधर उसके ऐसे फ्लिक्स बना दिए. ओके, फ्लिक्स बनाने के बाद हमको इधर से ऐसे टिंग. ओ माय गॉड, ये गलत हो गया बच्चा, ये मेरा हाथ शुक हो गया था. अभी ये तो सब ब्लैक हो जाएगा तो वो चलेगा. और इसके ऐसे बाल ऐसे नीचे तक लेकर जाने, अगर चाहिए तो ऐसे ऐसे शेंडी भी बना सकते, दैट्स योर चॉइस. ओके, इधर भी ऐसे थोड़ी सी ऐसे शेंडी बना सकते, दैट्स योर चॉइस. अभी दिस ऑल विल बी ब्लैक, सो प्लीज निगलेक्ट दिस. आई वॉज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विथ माई स्केच पेन, अदरवाइज आई वुड हैव रब्ड इट. अभी मैं रब नहीं कर सकूंगी. ओके, सो ये करने के बाद दिस इज अ हेयर, दिस विल बी कंप्लीटली ब्लैक, सो आई एम नॉट बॉदर्ड अभी. ओके, अभी हमें क्या करने का है, अभी हमको इधर से ऐसे और फिर ये ऐसे, ये उसकी स्लीव्स है, समझा, ये स्लीव्स है और ये स्लीव्स है. उसके बाद उसके ऐसे दो हाथ नहीं मतलब एक हाथ ऐसे रखने का है. अभी उसने ऐसा करके कुछ छोड़ा हुआ है. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, 1 2 3 4 और इधर से लिटिल फिंगर, करेक्ट. और इधर हम लोग को वापस से नंबर 3 लिख देने का. सो हैंड्स आर लेफ्ट, शी इज लेफ्ट समथिंग फ्रॉम अ हैंड एंड दैट इज द फ्रीडम ऑफ दैट बर्ड विच शी इज लेफ्ट. सो हाउ टू मेक द बर्ड, बर्ड टू मेक इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू राइट एन आर इन अ वेरी फैंसी वे. अब ये आर की ऐसे पूछ लिया बना दिया पू ऐसा बना दिया. इसके बाद हम लोग को एक डैश कर देने का इधर. अच्छा, जब हम डैश करेंगे ना तो इधर उसका ऐसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देके इधर उसके पंख डाल देने के, ठीक है. तो ऐसा लगेगा कोई कौवा उड़ रहा है. तो शी इज जस्ट लेफ्ट दिस बर्ड अवे. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्विकली कलरिंग स्टार्ट करते हैं. दिस इज द ओनली ड्रॉइंग चिल्ड्रन, दिस इज फ्रीडम इन अ वेरी सिंपल मैनर. सी अगर अभी ये जैसे 15th ऑफ ऑगस्ट आ रहा है तो द कॉमन टॉपिक्स इज फ्रीडम और इंडिपेंडेंस डे, ऐसा कुछ टॉपिक्स आते हैं. तो उसमें हम लोगों को क्या करने का है ना, वॉट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ दिस बर्ड, यू कैन पुट दिस, मतलब मेक दिस बर्ड फ्लाई एंड यू कैन यूज अ ट्राई कलर फॉर द ड्रेस और यू कैन यूज एनी थिंग, दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू. सो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं स्किन कर देती हूँ. मैं बहुत बका बका कर रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मुझे की करना है. सो आई हैव टेकन माई स्किन कलर चिल्ड्रन एंड आई हैव टेकन माई ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर का मेरे को थोड़ा सा छिलका निकालने का है, 2 मिनट देना, पटकन झटकन काढ़ून देते मैं. सो आई हैव जस्ट रिमूव्ड द ऑरेंज का छिलका एंड सी वेयर एम आई सपोज टू डू ऑरेंज. आई एम सपोज टू डू ऑरेंज हियर. ओके, आई एम सपोज टू डू ऑरेंज हियर एंड हियर. ओके, एंड आई एम सपोज टू डू ऑरेंज हियर एंड हियर. थोड़ी सी मैं बुक वर्ती लेती है, नहीं तो हुईकनिंग, ठीक है. अभी मैंने व्हाइट भी लिया, अभी मैं तुमको बताऊंगी. व्हाइट एकदम इधर कोने में थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं हम लोग, मतलब ये फेस के जो इर्द गिर्द है. नाउ वी विल टेक अ स्किन कलर, सी टू दैट योर स्किन कलर इज वेरी क्लीन, नहीं तो क्या होएगा पता है, लड़की गंदी गंदी दिखने लग जाएगी. फिर मेरे को दोष मत देना, मैली कुचली लड़की बना दोगे. तो अगर तुम लोग को लड़कों को चाहिए कि तुमको लड़का बनाने का, तो तुम लोग लड़का भी बना सकते, लेकिन वो फ्लो ऑफ हेयर नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा उसमें. So, you just have to do gully gully with your skin color. Today I'm not going to do painting. I've used sketch pen. Meri bhool ho gayi. Oh mama, main ko maaf karna ke bhool sadde se ho gayi. Arey main pehle marker kar deti to mere ko painting karne ko milta tha na.
चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखा मैंने ये स्किन कर दिया, इधर ऑरेंज और स्किन और ऑरेंज और स्किन का मिक्सचर करके मैंने ये कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इसकी ड्रेस जो है, ड्रेस इसकी ड्रेस या तो हम लोग ब्लू कर सकते हैं या तो हम लोग ग्रीन कर सकते हैं। अभी जो हाथ में मेरा आएगा कलर, मैं तो वही करने वाली है। तो मेरे हाथ में कलर आया एमराल्ड ग्रीन। अरे उसके साथ मैं स्किन क्या ले रही है, उसके साथ नहीं, ये कलर भी नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शेडिंग के लिए चलेगा, ये वाला चल जाएगा। सो व्हाट एम आई डूइंग इज, आई एम पूरा तो हमको एमराल्ड ग्रीन ही करने का है। आई जस्ट सी वेदर द शेडिंग इज कमिंग गुड, इफ इट इज नॉट कमिंग गुड देन वी विल स्किप द शेडिंग पार्ट। ओके, एंड आई हैव टेकन माय लाइट ग्रीन कलर। ओके, नॉट बैड, सो वी कैन डू दैट। सो व्हाट यू हैव सपोज टू डू इज अ लिटिल बिट ऑफ शेडिंग फॉर द ड्रेस। Emerald green is the color which I have used, children. Actually, you know, yesterday I was making a big canvas and I wished I could have shown you, पर मैंने मैं क्या जुगाड़ू से करती हूँ सब, आई एम अ जुगाड़ पट्टी। सो वॉट आई डू इज आई डू जुगाड़ू, आई डोंट कीप अ ट्राइपॉड स्टैंड, आई डू एवरी थिंग विद जुगाड़। सो वो ट्राइपॉड स्टैंड में बहुत बड़ा कैनवस था, वो फिट ही नहीं आ रहा था, आई सेड फॉरगेट इट। I'll just post that picture of that Ganesha which I made. नहीं पर मैं पोस्ट करूँगी तो सब मेरे पीछे पड़ जाऊँगे, बनाओ बनाओ बनाओ, मेरे को नहीं बनाना है कैनवस। आई लाइक ऑयल पेस्टल यार, चिल्ड्रन होके ऑयल पेस्टल करने का, कैनवस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट हैज़ टेकन 3 days फॉर मी टू कम्प्लीट दैट पिक। सो अभी ये मैं अगर 1 घंटे में करती हूँ तो वो तो आपको समझ में आ गया होएगा कितना टाइम लगाएगा। क्रिक्ट क्रिक्ट बोल रही हूँ ना मैं, क्रिक्ट मैनू हीरो ले लो डायरेक्टर जी, मैनू हीरो ले लो डायरेक्ट। अभी ये जो ब्लैक है वो हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग ऑरेंज वाली स्काई करेंगे। ऑरेंज वाली स्काई सबको करने आती है, आई नो सबको करने आती है। तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे पता है ना तुमको, मैं पहले सारे येलोज निकाल देती हूँ उसके बाद तुमको बताऊँगी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये पहले मैंने एलिमेंट, अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, जान बूझ के इसको थोड़ा सा सूरज के पट्टी के अंदर घुसा रही हूँ, ठीक है, जान बूझ के। ये हमारा होएगा येलो, फिर हमारा होएगा डीप येलो। मैं ज़्यादा कलर्स का शेडिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बंदा पगला जाता है शेडिंग करते करते। ठीक है, ये हमारा होएगा डीप येलो, दिस इज डीप येलो। ओके, उसके बाद हम लोग लेंगे ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। उसके बाद हम लोग लेंगे प्राइमरी रेड, जो मेरा एकदम चिमुकला जाला ही ऐसा प्राइमरी रेड, इधर से ढुंचुक ढुंचुक ढों ढुंचुक ढुंचुक ढों। अभी इसके बाद हम लोग को लेने का है मरून, सो दिस विल बी मरून एंड दिस विल बी मरून कम्प्लीटली। और अगर इतना थोड़ा सा पार्ट है तो इसमें ब्राउन करके ऊपर वापस से मरून करेंगे। तो अभी हम लोग घसर पट्टी करना चालू कर देते हैं और इसको बहुत मस्त पाई की स्मच करने का, और जितना अच्छा स्मच करोगे उतनी प्यारी तुम्हारी ड्राइंग बनेगी। देखो अगर तुमको अपने कलर्स नहीं तोड़ने, जैसे तनु आंटी अपने कलर्स बिल्कुल भी नहीं तोड़ती है, तो तुमको ऐसा रखने का और ऐसा ऐसा कलरिंग करने का, जिधर कुछ पॉइंटेड जगह है तभी ऐसे करने का। ऐसा करोगे तो टुक करके टूट जाता है, ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा संभल के चलता है, थोड़ा सा संभल के चलता है, थोड़ा सा जास्ता नको। अभी मैंने देखो ये डायरेक्ट किया है येलो, अभी तुम लोग को स्मजिंग नहीं दिख रही है इसमें क्योंकि मैंने की नहीं है। अभी फटाफट करेंगे तो हो जाएगी, मेरे को वैसे भी फटाफट करने का। अभी वो पिज़्ज़ा और पता नहीं मंडाला आर्ट जो भी है, दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली पता है क्या, मैं सच्ची सच्ची बात बताऊँ, मैंने इतनी प्यारी प्यारी ड्राइंग्स अपने सिखाने के लिए सोच के रखी थी, लेकिन मेरी तो डिमांड ही नहीं ख़त्म होती, मैं वो कब सिखाऊँ। अभी मैं ये येलो ले रही हूँ और इसको इसके अंदर गुचिया पुचिया कर रही हूँ, तो मैं इसको गुच्चू पुच्चू। बाद में हम लोग उंगली का भी कमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये करेंगे। पता है हम लोग को तनु आंटी को चालू हुए भी 1 साल हो गया, और मैं है ना ऐसे कल बैठी थी, तो अभी मेरे को उंगली का कमाल करना, लेकिन मैं वो बाद में करूँगी।
मैं पता क्या नोट कर रही थी, कोई कोई लोगों ने 100 वीडियोस या किसी किसी के तो उससे भी कम है वीडियोस, बहुत कम वीडियोस में भी उन लोगों ने धमाल कमाल मचाया है। तनु आंटी तो इतने वीडियोस बनाते तो भी धमाल कमाल नहीं मचा सके, पता नहीं क्यों। आई फील सो सैड। होगा होगा, अपना भी दिन आएगा, एवरी डॉग हैज हिज डे। वैसे मैं तुम लोग को बता दूँ, देयर इज अ डॉग डे रियली। मैं ऐसे ऐसे मैं ना बैठ के देख रही थी, एवरी डॉग हैज हिज डे इज अ प्रोवर्ब, करेक्ट? तो ऐसे एवरी डॉग हैज हिज डे मैंने ऐसे टाइप किया गूगल में, तो इंटरनेशनल डॉग डे आया 26th of August। रिमेंबर द डे, आई विल कम विथ माई तेजस्वी। 26th of August, दैट इज द इंटरनेशनल डॉग डे। देखा, कुत्तों का भी दिन होता है, तो तनु आंटी का भी होएगा। टेंशन नक खाच, सगड का ही होना चांगल्या रीति ने होना। ये ड्राइंग पता है, मैंने सोचा नहीं था मैं ज़्यादा बनाऊंगी। एक तो किसी का कंपटीशन का टॉपिक था और श्रीशा के लिए मैं ये ड्राइंग बना रही लिए, तो श्रीशा जी कृपया करके ये ड्राइंग बना लेना। अभी हमको लाल पट्टा घसने का, लाल 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 लाल। सी हियर आई हैव जंप्ड, यू नो देयर आर मेनी कलर्स। हम लोग स्टेप वाइज जा सकते हैं, मतलब लेमन येलो के बाद मीडियम येलो, डीप येलो, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, सेरेलियम, रेड, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे कलर्स के साथ कर सकते हैं। बट आई हैव जंप्ड बिकॉज आई लाइक टू जंप, जंप इन द एयर, जंप इन द एयर, जंप 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 जंप। सिग्मा प्यार का सिग्मा, ऐसा एक गाना है सच्ची मुच्ची का। देखा, अभी ये मेरी उंगली पे चिटकने लग गया, अभी इसका टाइम तमाम होने वाला ही। आई हैवंट स्मज्ड एनीथिंग टिल नाउ, आई एम जस्ट डूइंग माय होमवर्क, दैट इज आई एम पुटिंग ऑरेंज हियर। लाइक आफ्टर यू डू दिस डीप येलो, यू हैव टू पुट लेमन येलो इन डीप येलो। आफ्टर यू डू ऑरेंज, यू हैव टू पुट डीप येलो इन ऑरेंज। व्हेन यू डू रेड, यू हैव टू पुट ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद हम लोग कसर पट्टी करेंगे। एक तो मेरे को एक वीडियो सीखने का है, वो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा, बोला ऐसा चिक 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 करता फिर पेंटिंग करता है। आई वॉन्ट टू लर्न दैट, आई डोंट वॉन्ट टू बी पिछड़ा हुआ, आई एम गोइंग टू डू दैट। 10-12 बार 15 बार बनाऊंगी तो भी मेरे से होने ही वाला, आई नो दैट। और जब तक नहीं होएगा, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान यू छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आई एम सॉरी, दिस इज माई फेवरेट पोएम चिल्ड्रन। और कुछ भी होता है तो मेरे मुंह से निकल जाती है, टुड़क ऐला। मैंने बोला था ना ऐसे ऊपर करके करने का, ऐसे तनु आंटी के कलर्स टूटते नहीं हैं, बस एक वीडियो में एक तो कलर टूट ही जाता है, बस इतना ही होता है, जास्ता नहीं होता, एक ही बड्डे होता है। ओए लॉर्ड, मैं इधर नीचे भी मरू नहीं कर देती हूँ, मरने तो थोड़ी मैं बुक उबड़ती लेकर जाती, इधर भी मैं मरून कर देती हूँ। जट गाड़ी चली मुंबई से परट तक टक 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 टक, है ना हमारी गाड़ी चलती है ना, न न न न न न न न हम अरे हम। तुम लोग तनु आंटी, अरे वो एक लड़के ने वीडियो गाया था पता नहीं, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जा, कितना फेमस हो गया। बेचारी तनु आंटी तो हर वीडियो में गाना गाती है तो भी फेमस नहीं होती, है ना। चलो अभी हम लोग को उंगली का कमाल करने का, मिक्सिंग आई वॉज डूइंग, ढंग से मिक्सिंग आई वॉज डूइंग। जब तक उंगली एकदम गर्म नहीं हो जाती
तब तक हमको ऐसा घसर पट्टी करते जाने का है, क्योंकि इस पे हमारे अंडा सिक जाना चाहिए, इतनी गर्म हो जानी चाहिए। इसकी घसर पट्टी करते हुए ए घसर पट्टे रगड़ा पट्टी पटे रैप, पता है तुमको वो गाना? अभी देखो इतना हो गया, अभी हमको ऑरेंज और रेड करना है। मेरा ऑरेंज और रेड को ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है मेरे को इसके अंदर है ना सेरिलियम ब्लू नहीं उया वो डाल देना चाहिए, डार्क ऑरेंज, क्योंकि है ना मेरा बहुत फ़र्क है दो ऑरेंज में, पर तो भी मैं देखती हूँ नहीं होएगा तो डाल दूँगी, ऐसा तो हो ही जाएगा, नहीं होएगा तो वी कैन पुट अ लिटिल डार्कर ऑरेंज। सी यू कैन पुट अ शेड ऑफ अ लिटिल डार्क ऑरेंज इन बिटवीन, बिकॉज एकदम मेरा क्या ऑरेंज था, ऑरेंज के बाद एकदम रेड शेड आया है, वो बहुत बड़ा जंप ले लिया मैंने, जंप इन दी एयर ज़्यादा हो गया, इसलिए आई एम जस्ट पुटिंग अ लिटिल कोट ऑफ लिटिल ऑरेंज। दिस इज हाउ यू ऑल आर सपोज टू शेड, ओके? शेडिंग की मिक्सिंग होनी चाहिए, चाहे उसके लिए तुमको थोड़ा सा कलर डालना पड़े तो कोई गम नहीं, डालो, पर शेडिंग अच्छे से करो। इस पे आमलेट सीख जाना चाहिए, आमलेट अंडा, मतलब जो वेजिटेरियंस है वो क्या सेकेंगे, ब्रेड, ब्रेड जल जानी चाहिए। सो इधर भी मैं थोड़ा सा ये वाला ऑरेंज डाल रही हूँ, बिकॉज आई फील इट रिक्वायर्स। इधर ऐसा लग रहा है कट्टी कर रही है, पर वो कट्टी नहीं कर रही, उसने बर्ड को छोड़ दिया, फ्रीडम दे दी उस बर्ड को, जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा वाला फ्रीडम दे दिया। पता है जिसके पास, आई शुड नॉट मेंशन द ब्रांड, पर जिसके पास कैमलिन कलर्स है उनको थोड़ी सी तकलीफ होएगी, डॉम्स वालों की तो भी अच्छे से हो जाएगी, और जिसके पास गैलरी कलर्स है उसकी तो मौजा ही मौजा है। सो डन बच्चा पार्टी, ओके? मेरे को ऐसा लग रहा है ये चंदा मामा का जो येलो है ना वो ओफो ना, माई हैंड इज सो डर्टी एंड माई कपड़ा इज ऑल्सो वेरी डर्टी, आई डोंट नो वॉट एम आई गोइंग डू। हाँ फिसल रहा है मेरा हाथ। सो वॉट एम आई डूइंग इज आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटल ऑरेंज इनसाइड, बिकॉज मेरा येलो एकदम चमकदार लग रहा है, मेरे को येलो को इतना भी चमकदार नहीं बनाना है। सो आई टेक अ डिफरेंट फिंगर टू स्मज इट। ओहो ई क्यों या कोई भी कलर किधर भी आ जाता है ना, और ये येलो के येलो को भी थोड़ा सा हम लोग को कम करने का, एकदम सूरजमुखी को सूरजमुखी नहीं थोड़ा सा ब्लरी कर देने का, ठीक है? इधर देख लो भैया कोई वाइट स्पॉट ना रह जाए। अभी है बस हमारे काले का कमाल, काले का कमाल देखो हो जाएगा धमाल, काले का कमाल, काले का कमाल। सो द टॉपिक इज फ्रीडम चिल्ड्रन, a very common competition topic which usually comes for children, or you know the other way it can come is your understanding of freedom, aise aise aate hai topics mereko pata hai, so please do it। अभी 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे, मैंने फ्रेंडशिप डे के बहुत सारे तुम लोगों को ई कार्ड्स बना के समझाएं कैसे करने का है, तो प्लीज़ बच्चा पार्टी बनाओ भैया, अपने फ्रेंड्स को ई मैसेजेस भेजो, मतलब व्हाट्सएप पे, मेल्स तो तुम लोग नहीं करते होगे लेकिन व्हाट्सएप पे ई मैसेजेस करो, सच अ नाइस वे टू डू इट, व्हाई यू वांट टू टेक इट फ्रॉम गूगल एंड डू इट, है ना? अभी मेरे बालों में थोड़ी सी बुढ़ी बुढ़ी दिख रही है ना, इसके सीधे सिल्की बाल है, अभी मेरे को पता नहीं कहाँ पकड़ूँ और कैसे करूँ, इधर पकड़ती हूँ और एक ही बारी पे फटाफट झड़ा छट ये सारे वाइट स्पॉट्स को उड़ा देती है तनु आंटी, क्योंकि वाइट स्पॉट्स है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की तनु आंटी के बुख में कोई जगह नहीं है, है ना? सो एंजॉय योर फ्रेंडशिप डे चिल्ड्रन,
and do make it and post it on Canvas and Scissors. And yes, children, try to join Canvas and Scissors in big number, because we are going to come up with a वंडरफुल प्रोजेक्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड आई वॉन्ट. देखो ऐसा, वो ऐसे गंदे वाले फ्रेंड्स नहीं बनने का. अरे हम लोग ने ज्वाइन करना है ना, अब ये सारा एडवांटेज हमको ही मिलेगा. जान दो भाड़ में, जान दो दूसरे फ्रेंड्स को, ऐसा वाला काम नहीं करने का. यू शुड बी जेनरस इनाफ एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन. दे ऑल्सो कैन टेक एडवांटेज ना ऑफ दैट कॉन्टेस्ट. मैं ऐसे बढ़ाई मार रही हूँ, जैसे पता नहीं, शायद तुम लोगों को वो कॉन्टेस्ट बहुत पसंद आ जाए, शायद हम बहुत फेमस हो जाए. सो तुम लोगों को, यू ऑल शुड इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स चिल्ड्रन, इनवाइट देम, बिकॉज दिस कॉन्टेस्ट विल बी मोस्टली, आई डोंट नो, वी हैवंट डिस्कस्ड, बट इट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन ऑफ कैनवस एंड सीजर्स मोस्टली. If not, let's see what will happen. We haven't decided yet, but still, I'm just telling you, you should invite your friends. Don't keep things for yourself. If you have something, share it. When you share, you grow. Remember that. Okay? So this is done, children. The topic is freedom. And you all can make beautiful drawing. This is such a simple drawing and such a wonderful drawing. Do make it and post it on Canvas and Scissors. I want to see how you all do it. Okay, so bye till then, enjoy your day. Bye bye.